मेरी वेबसाइट थी एक, अभी भी है वेबसाइट, वो क्या हुआ उस पर मुझे नोटिफिकेशन ईमेल पे ईमेल आनी स्टार्ट हो गई कि समवन हैज कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, समवन हैज कमेंटेड ऑन योर ब्लॉग। यानी एक तकरीबन एक घंटे के अंदर अंदर को 1500 के करीब मुझे ईमेल्स आई कि लोगों ने आपके वेबसाइट पे कमेंट किया। तो मैं आउटसाइड था, मैं परेशान, मैंने कहा इतने कमेंट्स आ क्यों रहे हैं। जब मैंने उसको जाके जरा इन्वेस्टिगेट किया, चेक किया, तो स्पैम कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे। और मैंने जब चेक किया तो ये प्लगइन मेरे वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं था। मैंने जैसे इसको सेट किया, मेरे वो जितने भी कमेंट्स आ रहे थे वो स्टॉप हो गए। सम टाइम बॉट्स होते हैं, ऑटोमेटेड बॉट्स, वो आपके ब्लॉग पे कमेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं सिर्फ लिंक बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो लिंक बिल्डिंग के लिए उन्होंने मेरे ब्लॉग का देखा कि इस पर कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, स्पैम कंट्रोल है कोई नहीं, तो उन्होंने कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए, बर्ड्स कमेंट्स, और मेरी वेबसाइट स्पैम ही हो गई। तो मैंने उस कमेंट्स को सबको रिमूव किया, रिमूव करके फिर वो प्लगइन इंस्टॉल किया। खैर देख लें, आपने सिर्फ सेटअप के बटन पे क्लिक करना है, गेट योर एपीआई की, एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे आप, जैसे ही आप एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करेंगे आपको वर्डप्रेस की फ्री साइट पे ले जाएगा। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक अपना अकाउंट क्रिएट करें वर्डप्रेस की साइट पे। कंटिन्यू करें, चलें खैर मिसिंग है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, गेट पर्सनल हमें फ्री चाहिए, सिर्फ स्पैम कंट्रोल चाहिए हमें। ओके ठीक है, मुझे इसको आप बिल्कुल स्क्रॉल करके बैक ले जाएंगे, जीरो जीरो पर ही है। ठीक है, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, गॉट इट। जैसे आप करेंगे आपकी एपीआई की जनरेट हो जाएगी, आप इस की को कॉपी करेंगे, अपने यहां पे आएंगे और एपीआई की एंटर करके कनेक्ट विद एपीआई। देख लें आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया और आपका प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अब देखें जी, सेव चेंजेस करें, बाकी इसमें कोई आपको फिलहाल आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका प्लगइन एक्टिवेटेड है, स्पैम कंट्रोल एक्टिवेटेड है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप लोग बाकी इसकी सेटिंग देखिएगा अगर कोई मिलती है तो। जी बहुत सारे, वही मैं ऑटोमेटिक बॉट्स की बात की है, ब्लैक ऑटोमेटिक बॉट्स की बात की है, ब्लैक हैट टेक्निक्स की बात की है, सारी ये चीजें हैं। ठीक है, सर हम अपना प्लगइन क्रिएट भी कर सकते, क्रिएट कर सकते अगर पीएचपी आती है तो। आती है, आती है पीएचपी? चलो सीख के मुझे बताना। ठीक है, दूसरा प्लगइन कौन सा था जी? Yoast SEO, इसको हम जब SEO थोड़ा SEO से यूज टू हो जाएंगे फिर इसको करेंगे। उसके बाद ये डिग, ये बेसिकली फ्लोटिंग आपकी सोशल शेयर है। मेरा ख्याल है ये प्लगइन शायद एक्टिवेटेड नहीं है या डिसकंटिन्यू हो गया, देख लेते हैं। एड न्यू, इसके बाद क्लास में कौन ऐसा है जो MNA बनना चाहता है? MNA कौन बनना चाहता है? देख लें जी, खैर छोड़ें, फिलहाल के लिए देख लें ये प्लगइन नहीं है, प्लगइन डिसकंटिन्यू हो गया। आप सिंपल सर्च कर लें फ्लोटिंग सोशल शेयर बार, ऐड टू एनी बटन कर लें, सोशल शेयर,
हमने ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। या आप ये ऐड कर लें, सोशल शेयरिंग बटन ऐड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बस सिंपल आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है और वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो जाएंगे। अपेयरेंस प्लगइन्स एक्टिवेट, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये जो स्टार्स शो हो रहे हैं ये रियल टाइम शो हो रहे होते हैं, ये रियल आपके रिव्यूज शो हो रहे होते हैं गिवन बाय ऑथेंटिक यूजर्स? बहुत सारे परचेज होते हैं, आपको बहुत सारे गिग्स मिलेंगे फेसबुक पे कि मैं $5 में आपको 50 रिव्यूज दूंगा, 100 रिव्यूज दूंगा, तो ऐसे मिल जाएंगे आप लोगों को। देख लीजिए, मैंने प्लग इन किया ऐड टू एनी शेयर बटन, इसकी सेटिंग में आप जाएंगे, ये देखें आपने कौन कौन से बटन यहां पे ऐड करने हैं। अगर फ्लोटिंग की बात करते हैं, फ्लोटिंग, आप फ्लोटिंग पे जाएंगे, आपने किस साइड पे करना है इसको, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, अटैच टू द कंटेंट, आप लेफ्ट साइड कर दें या राइट साइड कर दें, इट डिपेंड्स ऑन यू। सेव करें चेंजेस को, अपने ब्लॉग को विजिट करें, सही है, वो सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। ये देख लें, ये फ्लोटिंग बार है जी, फ्लोटिंग सोशल, मैं इसको जहां मर्जी स्क्रॉल करूंगा ये मेरे कंटेंट के साथ ही रहेगा, ठीक है। आप इसको लेफ्ट साइड पे कर लें, राइट साइड पे कर लें, जहां आप करना चाहते हैं कर लें, ठीक है, समझ आ गई इसकी। चलें जी नेक्स्ट, उसके बाद जो हमारा प्लगइन है वर्डप्रेस सुपर कैश, इसका भी प्लगइन देख लें आप लोग, ये ऐड न्यू, इसका नाम गलत लिखा हुआ है इन्होंने स्लाइड्स में, ये वर्डप्रेस सुपर कैशे है, या सिंपल आप कैशे कर लें, इसके लिए आप लोगों को प्रीमियम प्लगइन मैंने दिया हुआ, आप लोगों को उसका नाम है वर्डप्रेस रॉकेट स्पीड, इसका कुछ एक प्लगइन का नाम है, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कौन सा प्लगइन मैंने दिया था आप लोगों को, जो फाइल मैंने सेंड, जी वर्डप्रेस रॉकेट इसका कोई नाम था उसका, मैं बता देता हूँ आप लोगों को दोबारा से, वर्डप्रेस ये रहा वर्डप्रेस रॉकेट प्लगइन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ये बेसिकली कैशे के लिए है, आपकी स्पीड इंप्रूव करने के लिए है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल यहाँ से वर्डप्रेस फास्टेस्ट कैशे या कोई भी प्लगइन जिसके रिव्यूज अच्छे हो, ये रहा वर्डप्रेस सुपर कैश, ठीक है, एक्टिवेट करें इसे, ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपकी जो कैशे है उसको क्लियर करता रहेगा ऑटोमेटिकली, जिससे आपकी वेबसाइट स्पीड सही रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। ओके, ये बेसिकली एरर दे रहा है, परमा लिंक्स मेरे सेट नहीं हुए हुए, आप परमा लिंक पहले सेट करेंगे, परमा लिंक्स क्या होते हैं, वेब्स आपके जो स्ट्रक्चर होता है आपका यूआरएल का, उसको आप परमा लिंक कहते हैं, परमा लिंक प्लेन है, मैं इसको कर दूंगा पोस्ट नेम, सेव चेंजेस, अब मैं कैशे के प्लगइन पे जाता हूं तो ये एक्टिवेटेड होगा, ठीक है, देख लें एक्टिवेटेड है, अगर मैं कैशे, मैंने देखें कैशिंग ऑफ है अभी, इसको ऑन कर दें, डिलीट कैशे करेंगे तो कैशे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, एडवांस सेटिंग आपको करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, सिंपल इतना रखें कि आप इसको इनेबल रहने दें, ठीक है, कैशे क्लियर ऑन और अपडेट स्टेटस, दैट्स इट, आपका ही प्लगइन एक्टिवेटेड हो गया। अब बात आती है मेन थिंग कि आपने वेबसाइट अपनी बना ली, सब कुछ सेट हो गया, प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया, अब वेबसाइट आपकी लॉन्च हो गई मार्केट में, अब आप चाहते हैं कि हमें जो ट्रैफिक आ रही है हमारी वेबसाइट पे वो पता चले कि ट्रैफिक आ किन किन सोर्सेज से रही है, उसके लिए गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन है।
अब गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने के दो तरीके होते हैं। आप सिंपल अगर तो चाहते हैं कि आपका सिर्फ ब्लॉग पे ही रहे जहां पे इंफॉर्मेशन आपको कम शो हो रही होती है, आप प्लगइन में जाएंगे एड न्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सुन लें और से समझ लें, क्वेश्चन हो तो पूछ लें। गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन इंस्टॉल करता हूं। बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल, लेकिन गूगल ऑथेंटिक सबसे है, तो हम नॉर्मली वो यूज करते हैं। जितने लोग भी एसईओ कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू एनालाइज कर रहे होते हैं। खैर, ये आपका गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल करें। क्या ये बहुत सारे मैंने बताया, और भी बहुत सारे हैं, इसको एक्टिवेट करेंगे आप। ठीक है, ये आपका देखिए डैशबोर्ड क्रिएट हो गया, इस पे जाएंगे आप ऑथराइज प्लगइन। लेकिन यहां से ऑथराइज करने से पहले आपको गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। वो किस तरह करना पड़ेगा, आप सिंपल जाएंगे गूगल एनालिटिक्स, देखें जो लोग कह रहे थे कि हमें प्रॉब्लम वो जीमेल का जो एल था वो मिसिंग रह गया, समटाइम ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेता है, ऑटो करेक्शन बहुत सारी जगहों पे आ गई है। मैं आप लोगों को स्क्रैच से इसका सेटअप सिखा देता हूँ, स्क्रैच से आपने सेटअप किस तरह करना है। जब आप गूगल एनालिटिक्स पे लॉग इन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, आप साइन अप करेंगे, अपने अकाउंट को नेम देंगे। फॉर एग्जांपल ये ई ऑफ इंटरनेशनल वेबसाइट के लिए है, ई ऑफ इंटरनेशनल। आप एक जीमेल पे जितने मर्जी अकाउंट बना सकते हैं आप। ये मेरी वेबसाइट का यही नाम है, और वेबसाइट का एड्रेस आप देंगे यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, टाइम आप अपनी इंडस्ट्री या कैटेगरी सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर बिजनेस। टाइम जोन आप सेट करेंगे, पाकिस्तान का करना चाहें पाकिस्तान कर दें, यूएस करना चाहें यूएस कर दें, नॉर्मली लोग यूएस यूज करते हैं। ठीक है, और गेट ट्रैकिंग आईडी कर देंगे आप। सर, इसके अंदर अगर आप किसी यूके की साइट की कर रहे हैं तो यूके करेंगे कि फिर भी? वो मैं कह रहा हूँ आप जो मर्जी टाइम जोन करें, टाइम जोन डजंट मैटर। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट। जैसे ही आप करेंगे आपके पास आपका कोड आ जाएगा। आपके पास कोड आ गया, देख लीजिए, ये स्क्रिप्ट है। बेसिकली स्क्रिप्ट आपने ऐड करना होता है अपनी वेबसाइट पे कैसे ऐड करना है वो भी बता देता हूँ, और आपने इस एनालिटिक्स के सेटअप को अपने डैशबोर्ड से किस तरह कनेक्ट करना है वो भी देख लें। पहले इस कोड को हम इंजेक्ट करते हैं अपने वेबसाइट में। वो कहाँ पे करना है आपने, सिंपल आप अपेयरेंस में जाएंगे एडिटर, दुआ करें यहाँ पे एरर आ जाए, आप लोगों को बैकएंड से भी ऐड करना सिखा दूं। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे उसने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि ये लिखा हुआ देखें उसने, ये रहा, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एज द फर्स्ट आइटम इन द हेड टैग। हेड टैग में आपने पहले टॉप पे ऐड करना है इस कोड को। अब हेड टैग कहाँ पे होगा, हेडर डॉट पी एच पी की फाइल होगी आपके थीम में, वहां पे हेडर का टैग, हेडर की फाइल होगी। देखें यहाँ पे, देखिए हेडर डॉट पी एच पी कहाँ पे है, ये रही। ठीक है, हेडर डॉट पी एच पी, और भी देख लें कोई, अगर और कोई हेडर डॉट पी एच पी की फाइल नजर आती है आपको, नहीं है, इसका मतलब हेडर डॉट पी एच पी यही है हमारी। हेड का टैग ये, यहां से स्टार्ट हो रहा है हेड का टैग और यहां पे क्लोज हो रहा है, ऐसे ही है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एज ए फर्स्ट आइटम यहां पे उस कोड को पेस्ट कर देंगे। जैसे कोड पेस्ट करेंगे, अपडेट फाइल करेंगे, आपका कोड इंजेक्ट हो गया। अब मैं इसके जरा डैशबोर्ड पे जाता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए।
देखिए इस तरह से आपको नजर आएगा कुछ जब आप डैशबोर्ड पर जाएंगे कि राइट नाउ कितने लोग आपकी वेबसाइट पे एड विजिट कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को विजिट करता हूं इनकॉग्निटो मोड में, मेरे लिए कोई एक एक या दो लोग मोबाइल से जरा इस वेबसाइट को एक्सेस करें, eofinternational.com। ये देखें जैसे मैंने इनकॉग्निटो मोड पे मैंने वेबसाइट को विजिट किया तो मेरा एक यूजर इस टाइम आ गया, ठीक है। ये देखें दो। अगर मैं सोर्सेज चेक करना चाहूं या लोकेशन चेक करना चाहूं तो लोकेशन में गया मैं, ये देखें चार पांच छह लोग आ गए हैं, सारे पाकिस्तान से हैं, ठीक है। ये देखें पाकिस्तान से आ रहे हैं। ट्रैफिक सोर्सेज चेक करता हूं कहां कहां से ट्रैफिक आ रही है, डायरेक्ट ट्रैफिक है। डायरेक्ट ट्रैफिक मीन्स कि लोग डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पेज के थ्रू या गूगल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू नहीं जा रहे, ठीक है। आप कंटेंट की बात करें, कंटेंट कौन सा पॉपुलर है, यहाँ पे आपके आर्टिकल शो हो जाएंगे जिस जिस कंटेंट पे ट्रैफिक आ रही है आपकी। अभी मेरे होम पेज पे ट्रैफिक है तो मेरा होम पेज ही आ रहा है यहाँ पे। ये जो स्लैश आ रही है ना, ये स्लैश बेसिकली शो करती है कि होम पेज से आ रही है। ये वेबसाइट का हमें पैटर्न बता रहा है कि 67% लोग आपके मोबाइल से लॉग इन है और 33% डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हैं आपके साइट को। और बहुत सारी इसमें चीजें हैं, आप देखिएगा, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। एनालिटिक्स को सेटअप इतना ही है एनालिटिक्स का। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, जी यार मुझे नहीं पता उनका, मैं इतना टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, ठीक है। यूटीएम यार एक अलग चीज है, यूटीएम को छोड़ो, यहाँ ये भी यूटीएम कितना ही काम करता है। आप किसी भी पेज पे चले जाओगे वो ट्रैफिक ट्रैक कर रहा होगा आपकी। यूटीएम बेसिकली बनते हैं वो रेफरल लिंक्स के लिए और दूसरी चीजों के लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का एनालिटिक्स पे अभी तक नहीं है, सब क्लियर है, चलें जी नेक्स्ट। अब आपने यही डैशबोर्ड अपने अगर उस पर शो करवाना है गूगल आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, आपने सिंपल क्या करना है, ऑथराइज प्लगइन पे क्लिक करेंगे आप, आपके पास एक्सेस कोड की ऑप्शन आएगी, आप गेट एक्सेस कोड पे क्लिक करेंगे। यहां से आप अपना लॉगिन करेंगे अकाउंट गूगल एनालिटिक्स का, जहां पे आपने सेटअप किया हुआ है बेसिकली आपने। फॉर एग्जांपल मैंने अगर शुएब ई रोजगार के थ्रू किया था इसको, तो आप उस पर लॉगिन करेंगे, ठीक है। ऑथराइज अलाउ, ये मुझे कोड मिल गया, इस कोड को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव एक्सेस कोड, ठीक है, मेरा एक्टिवेटेड हो गया सारा, क्लियर हो गया। मैं अपनी कैशे को क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूं, डैशबोर्ड ये, देखें गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड आपके सामने यहां पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट चीजें चेक कर सकते हो, कितने सेशंस, कितने लोग आए, कितने यूजर्स आए, कितने पेज व्यूज हुए, सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्लियर। दोनों वे से बता दिया आपको कि आपने एक्सटर्नली इन डिटेल किस तरह चेक करनी है चीजें, उसको किस तरह ऑथेंटिकेट करना है, और आपने डैशबोर्ड पे किस तरह से एक्टिवेट करना है गूगल एनालिटिक्स। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे, क्लियर, सब क्लियर है, चलें गुड है। ये प्लगइन में जितने थे सारे मैंने सेटअप सिखा दिया आप लोगों को, सिर्फ एक योस्ट एसईओ रह गया है। जब हम वर्डप्रेस को जरा डिटेल में करेंगे, सॉरी एसईओ को थोड़ा डिटेल में करेंगे, आप ऑन पेज एसईओ सीख जाएंगे थोड़ी सी, फिर मैं आपको योस्ट एसईओ करवा दूंगा, क्योंकि योस्ट एसईओ का ताल्लुक डायरेक्टली ऑन पेज एसईओ से है। अभी आप लोग